गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएसबीसी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन जो मैथमेटिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे, वो अपना टॉपिक चल रहा था साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि कैसे अगर दो तरीके की इक्वेशन लेके उसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अपनी इक्वेशन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसकी हेल्प से अपन क्या कर लेंगे, इक्वेशन में वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अपना इसका व्यापक ख्याल है। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कल बताया था मैंने, जनरल जो इक्वेशन होती है किसकी, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की, उसके बाद उसके अंदर अपन वैल्यू पुट करेंगे, तो उससे अंदर अपने जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आएगा उसको हम को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन में सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। तो उसकी जो फॉर्म थी वो क्या थी, dx upon p, dy upon q और dz upon r, इन तीनों इस फॉर्म का अपन को यूज करना है। और इन तीन फॉर्म से अपने को क्या निकालना है, उस पॉइंट आएगा x y z, उस पॉइंट पे कुछ प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे, उस प्रतिच्छेद बिंदु से अपनी क्या आएगी, व्यापक हल आएगी। अब इसका यूज करते हुए अपने पास तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड के अंदर dy upon q है और dz upon r है, या फिर क्या दे रखा है, इस फॉर्म में हमने वो इक्वेशन दे रखा है। और अगर मेरे इक्वेशन दे रखी है, आपको दे रखी है l dx plus का m dy plus का n dz, या अपने का डिवाइड में अपने को दे रखा है क्या, l d plus का m q plus l m n, और इसके डिवाइड में क्या देगा r। तो अपनी जो जनरल इक्वेशन अपने पास इक्वेशन है वो क्या है, dx plus का dy upon x plus y बराबर का
थीटा होगी। अब यहां से मैं इसको बदल दूंगी, इसको मैं लिख सकता हूं log x और log y क्योंकि हो गया log x प्लस का log y बराबर कर दीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं log into z। अब इसके अंदर एक टर्म और आएगी, कौन सी आएगी इस टर्म को अपन बोलेंगे यहां पे c2। तो यहां पे जो टर्म आएगी c2 वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पे c2 किसके इक्वल हो जाएगा, c2 ये z इधर चला जाएगा, c2 अपने हो जाएगा log फाइव डी एक्स है, फाइव डी एक्स
इसका मैं क्या करूंगा यहां से समाकलन कर लूंगा, समाकलन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 5dx का, 5dx है 5dz है तो 10c है, तो ये मेरा कोई इसका क्या हो जाएगा 5dx का 5x बराबर 5dz है डिवाइड बाई 5 प्लस 10c है, तो इसका तो क्या बन जाएगा log और 5 का क्या बन जाएगा 0, तो ये बन जाएगा log ऊपर आया 5z प्लस का 10c, ये क्या बन गया यहां से अपनी समाकलन किया तो प्लस एक चीज और है वहां पे अपन क्या करेंगे माइनस का यूज करेंगे तो इसके अंदर जो एक कांस्टेंट ऐड होगा आएगा log c1, यहां से अपन क्या हो जाएगा अपन मेरे को देखो 5 log 5z प्लस का 10c दे रखा है, अगर मैं log c को इधर लेके आता हूं तो ये बन जाएगा e की पावर c, तो ये c1 को मैं इधर लेके आया तो ये बना 5x log c1 है, इधर आके क्या बन जाएगा चलो इसका बोल लेते हैं एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, एक्सपोनेंशियल लिया तो ये log c1 है वो इधर आके बन गया प्लस का c1, अब ये है e की पावर 5x हो गया बराबर क्या बन जाएगा 5z प्लस का 10c, 5z प्लस का 10c c1 e की पावर 5x आ गया, e की पावर 5x कैंसिल है log का अगर एक्सपोनेंशियल लेंगे तो वहां पे c1 आ जाएगा, तो अपनी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी 5z प्लस का 10c बराबर c1 e की पावर 5 का x, अब क्या करूंगा मैं 10c आप जो कांस्टेंट है उसको वापस पुट कर दूंगा तो ये बनेगा 5z प्लस का 10 y माइनस का 3x बराबर अपने क्या आ गया c1 e की पावर 5x, ये अपनी इक्वेशन आ गई, कौन सी इक्वेशन 5z प्लस का 10 y माइनस का 3x बराबर क्या आ गया c1 e की पावर 5x, अब अपने को इक्वेशन में एक चीज को पता है अभिष्ट हल कैसे प्राप्त होगा, दो इक्वेशन होंगी जो अपना मैं आपको करना होगा वो निकालें, फर्स्ट मेथड था उसके अंदर अपने डायरेक्ट दो इक्वेशन आ रही थी उसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट समाकलन सेकंड में तीनों कंसीडर करके अपनी थ्री समाकलन दोनों इक्वेशन आ रही थी, लेकिन सेकंड मेथड क्या कहता है इसके अंदर प्रथम समाकलन तो होगी लेकिन द्वितीय समाकलन नहीं होगी, वो कैसे निकालेंगे प्रथम समाकलन की जो इक्वेशन है उसका अपन यहाँ पे यूज करेंगे, किया ना अपने यूज y माइनस थ्री एक्स इधर को लेकर किया टेन से, तो यहाँ पे यूज करके अपन ने क्या निकाली दूसरी इक्वेशन, फिर उसके दूसरे स्टेप क्या किया अपने जो कॉन्स्टेंट है वहां पर उसे क्या करेंगे विलोपन करेंगे, तो यहाँ पर अपने टेन सी है अपना तो सी दे रख रहे कॉन्स्टेंट उस चीज को अपने क्या किया यहाँ पे विलुप्त किया और इसको प्रथम समान वाली इक्वेशन का यूज करते हुए वहां पर क्या लिखा y माइनस का 3x, एक मेथड होगा लास्ट मेथड बोल देंगे लास्ट मेथड में क्या करेंगे इसके भी दो जनरल इक्वेशन बनेगी, लास्ट मेथड क्या कहता है अपना कि अगर अपना जो थर्ड मेथड है वो क्या कहता है dx अपॉन p प्लस का dy अपॉन q और जो dz अपॉन r है उसके इक्वल अपन क्या आ जाएगा उसके इक्वल अपनी दो इक्वेशन बनेगी, कौन सी जो अपन ने फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसमें अपन ने बनाया था एल डी एक्स प्लस का एम डी वाई प्लस का एन डी जेड, इसमें भी दो इक्वेशन बनेगी एल वन डी एक्स प्लस का एल टू डी वाई सॉरी एल वन प्लस का एम वन डी वाई प्लस का एम वन डी जेड डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके अंदर एल वन पी प्लस का एम वन क्यू प्लस का एन वन आर बराबर क्या आ जाएगा अपना एल टू डी एक्स प्लस का एम टू डी वाई प्लस का एन टू डी जेड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा एल टू पी प्लस का एन टू क्यू प्लस का एन टू इंटू आर, तो अपनी दो इक्वेशन बन गई, उन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, क्या 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 हो जाएगा यहाँ पे ट्यूशन सोल्व हो जाएगा, अब मेरे पास इक्वेशन दे रखी है ट्यूशन दे रखे हैं ट्यूशन दे रखा है डी एक्स अपॉन अपना है एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बराबर डी वाई डिवाइड बाई वाई जेड स्क्वायर माइनस का
मल्टीप्लाइज तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे तो अपने मल्टीप्लाइज की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स डी एक्स प्लस का वाई डी वाई प्लस का जेड डी जेड बराबर का जीरो। अब यहाँ से आपकी इक्वेशन दे रखी है एक्स वाई ये बनी। अब यहाँ पे मैं इसका तो समाकलन करता हूँ, समाकलन कर लिया, समाकलन किया मैंने यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे समाकलन कर रहा हूँ एक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का वाई स्क्वायर बाई टू प्लस का जेड स्क्वायर बाई टू, टू उधर गया तो जीरो में हो गया, तो इक्वेशन बन गई अपनी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या फिर क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे जब क्या किया अपने गुणांक दोनों से लिए एक्स वाई टू है। अब मैं गुणांक ले रहा हूँ कौन से, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन वाई और वन अपॉन जेड, ये तीनों मैंने गुणांक लिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स प्लस का डी वाई अपॉन वाई प्लस का डी जेड अपॉन जेड बराबर का जीरो। तो डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा लॉग लॉग एक्स प्लस का लॉग वाई प्लस का लॉग जेड। इक्वेशन क्या आ जाएगा लॉग सी, यहाँ से इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगी लॉग एक्स वाई जेड बराबर लॉग सी। अब क्या करेंगे लॉग से लॉग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी एक्स वाई जेड बराबर आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ से सी। तो अपनी दो इक्वेशन बनी कौन कौन सी, एक तो अपनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन बनी एक्स वाई जेड। तो यही अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना व्यापक हल। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, समझा जाएगा कैसे इक्वेशन को अपन यूज करना है। एक्स वाई माइनस का
स्क्वायर देयर स्क्वायर बाय 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे यहां पे, अब अपनी इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन का ये यूज करते हैं हम, क्या कर लेंगे समाकलन कर लेंगे और अपनी दो दो इक्वेशन आएंगी वही अपनी व्याख्या कर लेंगे। तो अपन ने तीन मेथड देखे, पहला मेथड था दो समाकलन इक्वेशन निकालते थे सरल इक्वेशन से, सेकंड में क्या था दूसरी नहीं दे रखी होती थी तो अपन फर्स्ट के हेल्प लेते थे और उसकी मदद से निकाल देते। तीसरा जो अपना मेथड था उसके अंदर दो इक्वेशन आएंगी पर वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट होंगी, उसमें गुणांक लेना पड़ेगा और अपनी इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। इसी के साथ जो अपना टॉपिक असाइनमेंट है डिफरेंशियल इक्वेशन वो खत्म होता है। अगली जो अपनी क्लास में उसमें अपन देखेंगे nth ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अपन कैसे हल करेंगे, कैसे उनके एप्लीकेशन होंगे, कैसे उनका व्यापक हल ज्ञात करेंगे वो अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।